हमास चरमपंथी और इजरायली सेना के बीच लगातार दो दिनों से जंग जारी है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गंभीर बयान दिया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास के हमले में मारे गए लोगों में कई अमेरिकी भी शामिल हो सकते हैं। ब्लिंकन ने कहा, हमारे पास रिपोर्ट है कि कई अमेरिकी मारे गए हैं। हम इसे सत्यापित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हमास इजरायली हमले के दौरान दोनों ओर से करीब 970 लोग मारे गए हैं।